खबर की बात करते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने प्रेसवार्ता की है, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लॉकडाउन में ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर पर 2400 करोड़ रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ने कहा, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हैं वर्तमान जस्टिस से निष्पक्ष इस घोटाले की जांच की जाए। साथ ही कहा कि हमें यूपी सरकार के अफसरों पर कोई भी भरोसा नहीं। समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ने भी प्रकोष्ठ कार्यकारिणी की नियुक्ति पर पदाधिकारियों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया है। एक हमारी समाजवादी पार्टी की मांग है, जो कोविड-19 का ये मसला चल रहा है पूरे विश्व में है, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, उसमें 2400 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च आया है। हमारी मांग है कि इस खर्च की जांच वर्तमान उच्च न्यायालय की वर्तमान न्यायमूर्ति से कराई जाए। ऑक्सीमीटर जो 700 रुपए का और 2400 रुपए में खरीदा गया है, कोई 900 रुपए की चीज 9000 रुपए में खरीदी गई है, मैं बहुत आंकड़े दे सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं, हो सकता है हमारे आरोप गलत हों, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि अगर उनका सही है, उनके प्रशासन के अधिकारियों के काम सही हैं, तो क्या दिक्कत है माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायमूर्ति से जांच कराने की। सत्ता